तो कैसे हैं आप लोग। तो आज बेब्लेड बस टर्बो के टॉप 10 ब्लेडर की वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके आप देख लेना। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ब्लेडर हमारी लिस्ट में नंबर 5 डिजर्व करता है वो है वोल्टोए। वोल्टोए हमारी लिस्ट में नंबर 5 क्यों डिजर्व करता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो वोल्टोए का जो बेब्लेड है टर्बो वाल्ट्रेक, वो एक अटैक टाइप बेब्लेड है। टर्बो वाल्ट्रेक रश लॉन्च, टर्बो वाल्ट्रेक हिप, टर्बो फ्लैश लॉन्च, टर्बो विंट लॉन्च जैसे अटैक को यूज़ कर सकता है। टर्बो वाल्ट्रेक एक बहुत ही पावरफुल बेब्लेड है। वाल्ट्रेक ने वोल्टोए के साथ मिलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी और इन दोनों ने मिलकर बहुत ही पावरफुल ब्लेडर को हराया हुआ है और ये बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन का मेन करैक्टर है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में टॉप 5 नंबर डिजर्व करता है। तो बाकी रीजन्स और कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल बेब्लेडर है इसलिए ये हमारी लिस्ट में टॉप 5 नंबर डिजर्व करता है। बढ़ते हैं टॉप 4 ब्लेडर की तरफ। तो जो ब्लेडर हमारी लिस्ट में टॉप 4 नंबर डिजर्व करता है वो है शुकुरेनाई। शुकुरेनाई वही है जिसे आप रेड आई के नाम से भी जानते हैं। शुकुरेनाई के पास टर्बो सरप्राइजन जैसा बेब्लेड है। टर्बो सरप्राइजन एक बैलेंस टाइप बेब्लेड है। टर्बो सरप्राइजन टर्बो क्रक्स बूस्ट, टर्बो काउंटर ब्रेक, टर्बो अपर लॉन्च, टर्बो सरप्राइजन हिप जैसे अटैक को यूज़ कर सकता है। और ये नंबर 4 डिजर्व क्यों करता है वो मैं आपको बताता हूँ, पर ये एक बैलेंस टाइप बेब्लेड है और ये बहुत ही पावरफुल बेब्लेड है। रेड आई एक बहुत ही पावरफुल बेब्लेडर है। अगर आपको लगता है कि वोल्टोए रेड आई को हरा सकता है तो आप गलत है, क्योंकि रेड आई बहुत ही पावरफुल है। उसने जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेड आई और वोल्ट का मुकाबला हो रहा था और रेड आई बहुत ही गुस्से में था और वोल्ट को हराया जा रहा था, तो वोल्ट ने भी अपनी फुल पावर लगा दी थी और रेड आई ने भी, दोनों के मतलब कि टाई हो गई थी, ड्रा हो रहा था मैच बार बार। और एंड में जब लास्ट मैच हो लास्ट राउंड था तब वोल्टोए ने उसका गुस्सा शांत करके उसे याद दिला दिया कि वो दोनों दोस्त हैं और उसका गुस्सा शांत होने के कारण वो चैंपियनशिप हार गया। तो यही कारण है कि शुकुरेनाई वोल्टोए से कमज़ोर दिखता है पर वो है नहीं, इसी कारण की वजह से लोग उसे कमज़ोर समझने लगे। पर अगर वो फिर से रेड आई बन गया तो वो वोल्टोए को भी हरा देगा, तो इसलिए शुकुरेनाई मतलब रेड आई हमारी लिस्ट में नंबर 4 डिजर्व करता है। बढ़ते हैं अगले ब्लेडर की तरफ। तो जो ब्लेडर हमारी लिस्ट में नंबर 3 डिजर्व करता है वो है फ्री डाला होया। जी हाँ, फ्री डाला होया। फ्री डाला होया बहुत ही पावरफुल ब्लेडर है और वो क्यों नंबर 3 डिजर्व करता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए। फ्री डाला होया के पास एक मिरेज फैफनियर जैसा एक बेब्लेड है जो कि एक बहुत ही पावरफुल बेब्लेड है। मिरेज फैफनियर एक स्टेमिना टाइप बेब्लेड है जो कि गीस्ट स्पिन, गीस्ट क्लो, गीस्ट काउंटर और अब्जॉर्ब ब्रेक जैसे अटैक को यूज़ कर सकता है। और फ्री डाला होया बीसी सोल टीम का मेंबर भी है। तो अब बात करते हैं फ्री डाला होया हमारी लिस्ट में नंबर 3 क्यों डिजर्व करता है, क्योंकि फ्री डाला होया बहुत ही ताकतवर है। फ्री डाला होया वोल्ट ऐसे ताकतवर है क्योंकि आपने देखा होगा जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स चल रहे थे तब फ्री डाला होया को ज़्यादा प्रैक्टिस करने के कारण मसल्स पॉइंट में प्रेशर पड़ने के कारण चोट लग गई थी और उसे मैच से बाहर कर दिया था। अगर ऐसा ना होता तो वो वोल्टोए को हराकर फाइनल्स में चला जाता और रेड आई को भी हरा देता। जी हाँ, रेड आई को इसलिए हरा देता क्योंकि अगर फ्री डाला होया अपने असली रूम में जाने गुस्से भरे चेहरे में आ जाए तो फ्री डाला होया रेड आई जाने की शुकुरेनाई को भी हरा देगा और वोल्टोए को भी हरा देगा, क्योंकि उसका गुस्से वाला चेहरा और उसके गुस्से वाले चेहरे में जो पावर आती है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए फ्री हमारी लिस्ट में टॉप 3 नंबर डिजर्व करता है। अब बात करते हैं कि कौन सा ब्लेडर हमारी लिस्ट में टॉप 2 नंबर डिजर्व करता है। तो जो ब्लेडर हमारी लिस्ट में टॉप 2 नंबर डिजर्व करता है वो है फाये। जी हाँ, हाइड हर्ड्स का बड़ा भाई फाये। फाये के पास ड्रेड फोइनिक्स जैसा एक बेब्लेड है, मतलब ड्रेड फोइनिक्स नाम का एक बेब्लेड है जो कि ड्रेड क्रश, ड्रेड कैनल, डेड ब्रेक, डबल ड्रेड कैनन जैसे अटैक को यूज़ कर सकता है। ये एक स्टेमिना टाइप बेब्लेड है जो कि एक बहुत ही पावरफुल बेब्लेड है। क्योंकि फ्री ने फ्री डाला होया को हराया है जो कि हमारी लिस्ट में 3 नंबर डिजर्व करता है, इसलिए फाये हमारी लिस्ट में 2 नंबर डिजर्व करता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं नंबर 1 ब्लेडर की तरफ। नंबर 1 ब्लेडर है आइगर अकाबाने। आइगर अकाबाने के पास जी एक्लिस नाम का एक बेब्लेड है जिसे आप टर्बो किलिस भी कह सकते हैं। टर्बो किलिस या जी किलिस जो भी कहना कहिए, जी किलिस एक बैलेंस टाइप बेब्लेड है जो कि टर्बो ब्रेकर, टर्बो स्वॉर्ड, टर्बो शील्ड, टर्बो डाइव जैसे अटैक को यूज़ कर सकता है। और आइकर अकाबाने
बेब्लेड बस टर्बो का एक मेन करेक्टर है और इसने 5 को हराया हुआ है। 5 वही जो हमारी लिस्ट में टॉप 2 नंबर डिजर्व करता है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में टॉप 1 नंबर डिजर्व करता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल बेब्लेडर है और ये सबको हरा सकता है। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।